जब हम लोग गौ माता को बचा नहीं पाते और अपना सच्चा भाव गौ माता के चरणों में रख नहीं पाते, तो गौ माता की परिस्थिति और स्थिति होती कैसे? गौ माता के पेट से एक बैल ने जन्म लिया, जब तक गाय दूध दे रही है तब तक उसको बड़े भाव के साथ रखा और बड़ा कोटा सुबह ने गायों और पैर ने बांध और अपा दूध निकाल लिए, तो थोड़ो बड़ो होते ही बा ने घर से निकाल दिया। निकालते ही बार पापी खड़ा है, आपकी गाड़ी रे मायने डाल, एक छोटी सी गाड़ी रे मायने 150 ने भर, टूटता भागता जा कतल खाने तक पहुंचे। कतल खाने में जावे तो वारा जिंदा री मारी चामड़ी निकालने की कोशिश करे राक्षस और बड़े बड़ा दुखियारा कर दे बाने, और जीवित रहता ही जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने काफी समय से देख रहा हूं, गायोरी जीता रहते ही वारी गरम गरम चमड़ी ने निकाल दे और बड़े दुख दर्द बड़ा सताता हुआ गायोरा प्राण निकाल और गायोर माते पापी अत्याचार करे। आज लंबा रिन पावन धरती रे माते, गौ माता रिन पावन सत्संग रे माते, आज धर्म री जाजम है और इन धरती रे माते बैठा आपने आप बात री शपथ लेनी है कि गौ धर्म और धरारी रक्षा रे वास्ते अगर कदे प्राण देने री आवश्यकता पड़े तो मैं दूंगा। तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज, जम्बेश्वर भगवान, सरीखा वीर और तपस्वी आज इन धरारे माते होता और अपा ने कहता कि मैं गऊ ने बचाने वास्ते जा रहे हूं, मारे खाते कौन कौन आलेला, सच्चे दिल से कौन कौन गायों ने बचाने वास्ते आज भी तैयार है और जम्बेश्वर और बाबूजी और तेजाजी महाराज रे हाथे जानो चावे। जय हो बोली गऊ मात की। ओ इस पापी युग में गौ माता का, इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला है, गोविंदा को पाला मेरा ठाकुर मुरली वाला।
का स्वर को कौन है सुनने वाला। आप लोग बोलोगे, आप लोग बोलोगे है गोविंदा गोपाला, मैं बोलूंगा कौन है सुनने वाला और गए और रखवालो कौन है। आप बोलोगे अभी है गोविंदा गोपाला, इस करुणा स्वर को ओ प्रभु आप बिना, इस करुणा स्वर को कौन है सुनने वाला। है गोविंद है गोविंद, क्या बात है। इस पापी युग में तो माता का कोई नहीं रखवाला, मेरा गोविंदा गोपाला मेरा ठाकुर मुरली वाला। गौ हत्यारों का दहन करो, यानी गौ हत्यारों को काट कर यहां से निकाल दो हमारे भारतवर्ष से। और काटने के लिए एक बार फिर से हम सबको जागृत होना पड़ेगा, हम सबके हृदय में धर्म के प्रति वो चेतन एक ज्योत जगानी पड़ेगी, ऐसी अलग जगानी पड़ेगी कि गौ माता के ऊपर हथियार उठाने से पहले लोगों के हाथ थरक जाए और उसको लगे कि अपनी बार अगर गौ को हाथ लगाया तो मुझे फांसी पर लटकने से पहले कोई नहीं रोक सकता। गौ हत्यारों का दहन करो, गौ हत्यारों का दहन करो और दे दो देश निकाला। मेरा गोविंदा गोपाला मेरे ठाकुर मुरली वाला। ओ दसो दिशाओं में गूंजे हैं बीरारो गुणगा, हल्दी घाटी और प्रताप रे तप पर जग कुर्बा। दसो दिशाओं में गूंजे हैं बीरारो गुणगा, ये हल्दी घाटी और प्रताप रे तप पर जग कुर्बा। कण कण सू गूंजे जय जय राजेश्वर। थोड़ा थोड़ा री धरती रो पिचरंग, पारा री धरती रो मीरा, कर्मा री धरती रो पीथल, पाथल री धरती रो कितरो कितरो रे करा मे पखाल। कण कण सू गूंजे जय जय राजेश्वर।
कहकर गए हो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सर्जामयम्। जब जब धरती माते अत्याचार होयला, जब जब गौ धर्म और धरा माते अत्याचार होयला, पाप बढ़ेला तो मैं धरती माते आऊला, और इन पशु पाप का ही होयला, सड़कों माते खड़ी खड़ी गायों ने लोग उठा ले जावे और कतल खाने में ले जा, बड़े अत्याचार कर गौरे माथे गौरा प्राण हर ले, इन सु बड़ो संकट आज धरारे माथे कोई होयला तो कहो श्री गीता जी में ओ प्रभु आप बिना इस करुणा स्वरी को, आप बिना इस करुणा स्वरी को पाले सुने पाला, मेरा देवी राज पाला, मेरा ठाकुर मुरली वाला। मेरा गोविंदा गोपाला, बोले गौ मात की।